दोस्तों आज हम बात करेंगे आपने वेट गेन कैसे कर सकते हैं नेचुरल तौर पर बिना किसी सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन पाउडर के जरिए अपने आप वेट गेन कैसे कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इस चीज को फॉलो किया है और मेरा खुद वेट बढ़ा है। मैं पहले 60 केजी का था, 55-60 के अंदर ही था। उसके बाद मैंने एक साल इसको अपनाया और मेरा वेट 85 तक चला गया था। तो दोस्तों आप भी अपनी वेट गेन्स कर सकते हो घर में रहकर, और ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, घर का ही खाना खाना रहेगा। बस आपको टाइमिंग सही रखनी है, एक्सरसाइज सही मेंटेन करके रखना है, और सबसे मेन बात है आपकी दिनचर्या सही रखना है और पूर्ण तरह से नो फैप का पालन करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं, मैं पहले बताया था आपको कि मैं 60 के अंतर्गत ही था, उसके बाद मैंने एक साल इसको फॉलो किया तो मैं 85 का हो गया था। तो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, तो मैं उसके बाद अपने आप को कम किया, थोड़ा वेट लॉस किया, तो मैं अभी 70 का हूं और मेरा एज अभी 20 ईयर्स है। तो 20 ईयर्स में अभी 70 केजी तो बिल्कुल सही वेट है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको 9 या 9:30 बजे तक सो जाना है और सुबह उठना है 4 से 4:30 बजे तक उठ जाना है। उठने के बाद आपको कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, आसन प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद आपको कुछ खा लेना है जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे और आप बाद में एक्सरसाइज आप अच्छे से कर सको। 3 खजूर और 8 बादाम खाता हूँ, उसके 1 घंटे बाद मेरी एक्सरसाइज चालू होती है। तो कई लोग कहते हैं कि केले को खा लेना चाहिए उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन केले को कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खाली पेट केला खाने से शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा में असंतुलन बन जाता है। केला में पोटेशियम और फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये फल एसिडिक भी होता है, इसलिए इसे खाली पेट में नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आपको 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करना ही है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप आधा घंटा कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद कम से कम 10 मिनट बाद जब आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए तब आपको 1.5 गिलास कम से कम पानी पीना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको नहाना है, ठंडे पानी से नहाना है, आपके मसल्स है उसको रिपेयर करने का काम करता है ठंडा पानी। उसके बाद मतलब 15 मिनट बाद ही आपको देसी चना और मूंग दोनों को मिक्स करके खाना है। 100 ग्राम देसी चना में कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और मूंग में 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम में, और 100 ग्राम देसी चना में 355 कैलोरीज होती है और कार्ब्स 58 ग्राम। तो इस तरीके से आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। उसके आधे घंटे बाद आपको 3 रोटी लेनी है जो कि घी के साथ हो, और कोई भी सब्जी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको दिन के खाने के लिए नॉर्मल खाना खा लेना है, जैसे दाल चावल ही खा सकते हैं और कोई भी सब्जी मिला के खा सकते हैं। उसके खाना खाने के बाद आपको 2 केला लेना है, 2 या 3 केला खा सकते हैं। एक मीडियम साइज केले में 110 ग्राम कार्ब्स होता है जो कि पतले दुबले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद शाम को आप 3 से 4 खजूर खा सकते हैं, और अगर आपको सर्दी की प्रॉब्लम होती है तो आप 4 बजे के बाद केला ना खाएं, जिससे आपको सर्दी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसी तो 4 बजे के बाद नहीं खाएं केला, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। 4 टाइम खाना खाना पड़ेगा आपको अगर आपको आपका वेट गेन करना है। तो शाम को भी कुछ आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, आप 4 खजूर खा सकते हैं या फिर मूंगफली हो गया या फिर भुना हुआ चना, इन सब में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है और गुड फैट होता है, तो उसको आप शाम में ले सकते हैं। रात में आपको 4 रोटी खाना है और थोड़ा सा चावल खाना है। रोटी में आप घी लगा के खा सकते हैं और नॉर्मल सब्जी ले सकते हैं। उसके 1 या 1.5 घंटे बाद आपको 1 गिलास दूध लेना है जो गर्म होना चाहिए। उसमें आप अश्वगंधा, शतावर और सफेद मूसली ले सकते हैं। अश्वगंधा आपके एनर्जी बढ़ाने का काम करता है और शतावर आपके अगर आप में फैट ज़्यादा है तो फैट को कम करेगा, अगर आप में पतले दुबले हैं तो आपके शरीर के मसल्स को बढ़ाएगा। एक तरीके से बोला जाए तो आपके बॉडी को पूरा प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, शतावर का काम होता है, और आपके बॉडी को रिलैक्स महसूस कराता है। जैसे आप एक्सरसाइज किए हैं तो आपके मसल्स को रिलैक्स फील करवाएगा। सफ़ेद मूसली लेना है तो आप थोड़ी सी कम मात्रा में लीजिएगा, और दूध हो सके तो रात में लीजिएगा, क्योंकि दूध रात में ही अच्छा काम करता है। इससे आपकी एनर्जी भी कई बढ़ जाएगी, आपको प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाएगा पूरे दिन भर का, आपका कार्ब्स भी अच्छा खासा मिल जाएगा पूरे दिन भर का, पूरी मेंटेन बॉडी बन जाएगी, आप एनर्जेटिक भी काफ़ी फील करोगे। बस 1-1.5 महीना से करके देखिए, आप बाकी में चेंज करेंगे कि मेरी बॉडी पहले कैसी थी और अभी कैसी है। तो दोस्तों ये था नॉर्मल डाइट कम पैसे में और मेरे खुद का एक्सपीरियंस, और हो सके तो आप और भी कुछ ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो ये आपकी बॉडी के लिए काम करेगा, क्योंकि जितने भी अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा चर्बी में बदल जाता है, तो ये आपको कोई काम नहीं करेगा। तो जितना भूख हो उतना ही खाएं, ठीक है, कम भी ना खाएं ना ज़्यादा ना खाएं, जितना उतना खाएं। तो इस तरह से दोस्तों आप नॉर्मल डाइट और अपनी एक्सरसाइज करके सही बॉडी पा सकते हैं और हेल्थी बॉडी आ सकते हैं। दोस्तों जो भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।